जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आपसे का स्वागत करता हूँ स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग का पार्ट करने वाले हैं, जो कि आपके सेट 7 से है। किस सेट से है? सेट नंबर 7 से है। आपको जीके एवं मैथ करा दिया गया है, अब बारी है रीजनिंग की, फिर उसके बाद हिंदी का वीडियो आएगा और इस प्रकार से सेट 7 समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर नॉन वर्बल रीजनिंग से प्रश्न दिया गया है। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है कि जो प्रश्न आकृति में रिलेशन दिया गया है वह हमें उत्तर आकृति से निकालनी है। तो कैसे निकलेगा? तो सर्वप्रथम यहाँ देखिए, ये जो ट्रायंगल दिया गया है इसको उल्टा कर दिया गया, सारी आकृति उल्टी हो गई, तो हमें वही चीज यहाँ चाहिए। इसका उल्टा निकाल लीजिए तो आपका उत्तर आ जाएगा। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, देखिए इसका उल्टा ये हो जाएगा, चतुर्भुज आपका ऊपर चला गया। ठीक है, और ये आकृति इस प्रकार से आ गई, ये कट मार्क्स आ जाएगा और ये ट्रायंगल इस प्रकार से, यही आपको ढूंढना है, जो कि बी में दिया गया है। तो 26 का उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए 27 आपको दिया गया है और सिमिलर प्रश्नाकृति से हमें उत्तर आकृति निकालनी है। तो आप देख सकते हैं प्रश्नाकृति में जो त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों बिंदु को यहाँ पर डाल दिया गया है। ठीक है, और उससे इसको जोड़ दिया गया है, तो वही चीज हम चतुर्भुज में करेंगे। इस चारों पॉइंट को यहाँ पर पहले डाल देंगे, ठीक है, और सबको जोड़ देंगे। अगली फिगर जो बनेगी वह इस प्रकार की बनेगी। तो देखिए कहाँ दिया गया है, ये आपके सी में दिया गया है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 27 का सी हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़े, चलिए 28 करते हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि O equals to 12 and 4 equals to 42, then front is equals to, यहाँ पर दिया गया है यदि किसी कूट भाषा में O को 12 लिखा जाता है, 4 को 42, तो फ्रंट को क्या लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर O, O के लिए 12 कब आता है, सबसे पहले ये बात जाननी है आपको, जब आप Z से अपोजिट जाओगे, ठीक है, Z, Y, X और इस प्रकार O तक जाओगे तो O 12 में पोजिशन पे आता है। ठीक है, ये पता चल गया आपको। अब देखिए 4 दिया गया है, तो 4 F O R, F यदि हम उल्टा चलें तो F आपके जो आता है वह किसमें पोजिशन पे आता है, वेरी गुड, O आपके 12 में पोजिशन पे आया और R आपके किस पोजिशन पे आता है, तो 9th पोजिशन पे आता है। जब इन सब का सम करते हैं हम तो हमें 42 निकल के आता है। तो इसी प्रकार हमें फ्रंट का निकालना है ना, F R O N T, F R O N T। ठीक है, अब देखिए F के लिए क्या आता है, F के लिए 21, R के लिए क्या आया, R के लिए आपका 9 निकल के आया, O के लिए क्या आया, O के लिए आपका 12 निकल के आया, N के लिए बताइए, N के लिए आपका 13 निकल के आया, और फिर T के लिए आपका 7 निकल के आ गया। इन सब का सम कीजिए कितना आता है, तो इन सभी का सम 62 हो जाता है। ढूंढिए 62 कहाँ दिया गया है, आपके B में दिया गया है, तो 28 का उत्तर B हो जाएगा। ठीक है, 29 आपका दिया गया है, इफ द स्काई इज कॉल्ड सी, द सी कॉल्ड वाटर, एयर कॉल्ड वाटर, क्लाउड कॉल्ड एयर, रिवर कॉल्ड इट क्लाउड, देन व्हाट डज अ पर्सन ड्रिंक व्हेन ही इज थर्स्टी। यदि आकाश को समुद्र, समुद्र को पानी, पानी को हवा, हवा को बादल, बादल को नदी कहा जाए, तो प्यास लगने पर व्यक्ति क्या पीता है, तो प्यास लगने पर व्यक्ति पानी पीता है। ठीक है, क्या पीता है, पानी, और पानी का कोड क्या होगा बताइए, यहाँ पर पानी को हवा कहा जाता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्या हो जाएगा, हवा हो जाएगा ना, जो कि आपके बी में दिया गया है, तो 29 का उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपको यहाँ पर दिया गया है कि जो ऑड वाला टर्म है उसको आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पर दिया गया है नर्मदा, महानदी, कावेरी एवं कृष्णा। यहाँ पर आप देखना है, ये तीन नदियां जो हैं यह वे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती हैं, जबकि ये नदी जो है नर्मदा यह आपके अरेबियन सी में जाकर मिलता है। और दूसरी बात जो है, इसका जो बहने का डायरेक्शन है वह वेस्ट है, बाकी सभी का ईस्ट है। ठीक है, तो सबसे ऑड आपका नर्मदा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, 31 देखिए, इसमें ऑड क्या होगा, वीट, ट्रेन, प्राउट एवं ड्राइवर। यहाँ पर आप ए बी और सी में देखिए दो वॉवेल्स लगातार जुड़े हुए हैं, लेकिन ड्राइवर में दोनों वॉवेल्स आपके अलग अलग हैं। ठीक है, बस यही डिफरेंस है। ओके, तो 31 का उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 32 देखिए, इसमें ऑड क्या है, 751, 981, 853, 532। देखिए बहुत बच्चे यहाँ पर सम विषम में चले जाएंगे, तो सम विषम का यहाँ पर कंसीडर नहीं किया जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ पर जो एग्जामिनर सेट करता है हमें उस चीज को पकड़ना होता है,
तो इस प्रश्न में एग्जामिनर ने ऐसा क्या सेट किया है जो हमें ढूंढना है, तो सेट ये किया हुआ है 7 - 1 = 6, लेकिन यहाँ बीच वाला टर्म 5 है, ठीक है, तो और आपका यही हो जाएगा। बाकी आप देखिए 9 - 1 = 8 और बीच वाला टर्म यहाँ पर 8 है। सिमिलर देखिए 8 - 3 = 5, बीच वाला टर्म 5 दिया गया है। 5 - 2 = 3, बीच वाला टर्म 3 दिया गया है। बाकी तीनों तो मैच कर रहे हैं, लेकिन ये वाला जो है सबसे डिफरेंट है, इसलिए 32 का उत्तर ए हो जाएगा। ओके चलिए आगे बढ़े। 33 देखिए दिया गया है, जस्ट एज स्मोक इज रिलेटेड टू पॉल्यूशन इन द सेम वे विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू वार, जिस प्रकार धुआं का संबंध प्रदूषण से है। धुआं से क्या होता है, प्रदूषण, और प्रदूषण जो है वह हानिकारक होता है, ठीक है, इससे जान माल की हानि होती है। ठीक इसी प्रकार युद्ध का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो युद्ध यहाँ पर दिया गया है शत्रु, सेना, विजय और मृत्यु। तो युद्ध का संबंध किससे हो जाएगा, मृत्यु से हो जाएगा, क्योंकि सिमिलर संबंध हमें निकालना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि धुआं का जो संबंध प्रदूषण से है, और प्रदूषण से क्या होती है, मौत होती है, ठीक उसी प्रकार युद्ध का संबंध मृत्यु से हो जाएगा। ओके तो 33 का उत्तर डी हो जाएगा आपका। ठीक है आगे बढ़े। अब देखिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, फन इज कोडेड एज DSL FUN। अब ये DSL में कैसे कोड किया गया, F से -2 गया तो D आया, U से -2 गया तो आपका S आया, और N से -2 गया तो आपका L आया। ठीक इसी प्रकार हमें होटल को कोड करना है, ठीक है, HOTEL। तो H से यदि हम -2 जाते हैं, ठीक है, तो S से -2 गए तो हमें F मिलेगा, FGH, ठीक है, O से -2 गए तो हमें क्या मिलेगा, M मिल जाएगा, T से -2 गए तो हमें R मिल जाएगा, E से -2 गए तो C मिल जाएगा, और L से -2 गए तो J मिल जाएगा। ठीक है, -2 - -2 कर दिए, अर्थात अपोजिट टू डायरेक्शन चले, तो आपका FMRCJ निकल कर आया, FMRCJ आपके C में दिया गया है, तो उत्तर आपका 34 का C हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़ें। अब देखिए 35 दिया गया है, इफ इट इज थर्सडे ऑन 25 अगस्त, देन व्हाट विल हैपन ऑन 13 नवंबर। कहा जा रहा है कि यदि 25 अगस्त को गुरुवार है तो 13 नवंबर को क्या होगा। देखिए यहाँ पर जो गैप है दिन का वो देख लीजिए, अगस्त का 6 दिन आपका बचा रह जाएगा, क्योंकि 31 होता है, तो 25 + 6 = 6 डेज आपका अगस्त का रह गया। बाकी सेप्टेम्बर आ गया तो सेप्टेम्बर का 30 दिन, ठीक है, फिर अक्टूबर आ गया 31 दिन, फिर नवंबर का 13, क्योंकि 13 नवंबर जाना है, तो कुल दिन कितने हो गए, कुल दिन आपके 80 हो गए। ठीक है, और यदि हम 7 से भाग दें तो 7 से भाग देने पर 7 * 7 = 7, 77 हो जाएगा, 11 वीक हो गया ये आपका, ये 11 वीक, और फिर आपका यहाँ पर 3 दिन बचता है। ठीक है 3 दिन बचता है, तो आप देख लो जहां से आपने स्टार्ट किया थर्सडे, तो 11वां वीक का आखिरी डेट जो होगा वह थर्सडे होगा, और 3 दिन बचा आपका, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है तीसरा दिन जो होगा वह संडे का हो जाएगा, तो संडे आपके बी में दिया गया है, तो 35 का उत्तर बी हो जाएगा। ओके तो इस प्रकार से आपके रीजनिंग के सारे प्रश्न पूरे होते हैं। चलिए हिंदी की टाइपिंग चल रही है, और जैसे ही आती है नेक्स्ट वीडियो आपको करा दिया जाएगा, और तब तक जो है आप 36 का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है बाकी यदि आप उत्तर नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको अगली वीडियो जो कि हिंदी की आएगी उसमें समझा दी जाएगी। ठीक है तो अभी का प्रश्न ये है, आप कमेंट कर सकते हैं, और जैसे ही हिंदी की टाइपिंग पूरी होती है आपको वीडियो बनाकर दे दिया जाएगा। ठीक है तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों यदि आपको CRPF का पार्ट वाइज PDF, जैसे आप लोग कमेंट करते हो कि आपको चाहिए GK, हिंदी, रीजनिंग, तो आप स्टडी एंड अपडेट्स के PDF एपिसोड पे आओ, वहां पे आप CRPF सर्च मारो। ठीक है CRPF सर्च मारोगे सारी PDFs खुल के चली आएगी। देखिए यहाँ पर सब कुछ पार्ट वाइज डाल दिया गया है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश। ठीक है जिसे मन करे ओपन कीजिए, उसे आप देख सकते हैं कि उसके अंतर्गत क्या क्या दिया गया है। यहाँ पे आपको सभी डिटेल्स दी जाती है, आप आराम से देख सकते हैं कि इसमें क्या कॉन्टेंट दिया गया है। ठीक है और उसके बाद PDF का डेमो भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की PDF यहाँ पे बनी हुई है। ठीक है तो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर इजिली अवेलेबल करा दी गई है। PDF स्टोर का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहां से इसे प्राप्त कर लें। आपको जो भी डाउनलोड करना है आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जो चार्जेस है वो चार्जेस आप पे करेंगे, और याद रखें ईमेल ID जो यूज करें वह सही सही दें, ताकि जब PDF आप बाय करोगे तो उसका लिंक जो है आपके जीमेल पे चला जाता है, और फिर आप वहां से PDF डाउनलोड कर पाते हो, तो ईमेल ID करेक्टली डालें। ठीक है और जैसे कि प्रैक्टिस सेट हो गए वो भी आपके डले पड़े हैं। ठीक है
हर एक चीज हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में डले पड़े हैं। यदि आपको मैट्रिक्स चाहिए तो मैट्रिक्स रहा, ठीक है, ये आपका रीजनिंग रहा हिंदी में, तो सभी चीजें यहाँ पर डाल दी गई है। जो आपको चाहिए आप आओ आराम से पीडीएफ डाउनलोड करो, ठीक है।